करें। जी राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज 10 तारीख है और हमारे यहाँ पे है ये जाताई है देवता की। मन तो मेरा बहुत है कि मैंने जाना था, पर मैं डर रही हूँ अगर मैं फिर से गई ना तो मैं फिर से बीमार हो सकती हूँ। और दोरा मन है, जाता होते ना आज देवते आ जाएंगे, कल नाचेंगे। तो आज जो जागरण भी है, ये हनी अपने पापा को फोन कर रहा है, वो चले गए ऊपर की खाने को लेके, कब जैसे आना है घर में लेके आ जाएंगे टिफिन वगैरह। और ये रहा शानू, ये देखो। हाय शानू। तो शानू अभी पहुंचा, इस टाइम पहुंचता, बड़ी दिक्कत हो गई इसके स्कूल की, इसको लेके बहुत चिंतित हो गए हम लोग। हर की जाता है बहुत दूर है और क्या करें, समझ नहीं आता है पढ़ाई का। हमारे यहाँ से ना बहुत रहती है टेंशन पढ़ाई की। तो ये अपने पापा से बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ये देखो हम पढ़ गया, ये बस यहाँ मेरे पास बैठा रहेगा, जहाँ पे मैं रहूंगी वहीं पे रहता है बैठा हुआ। और गांव का मैं यहाँ पे पता, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे को ना यहाँ पे आज 2 घंटे कंटिन्यू हो गए बैठे हुए, इधर बात कर रहे मेरे लिए ना। ये देखते शांत, यहाँ पे मैंने अपनी दवाइयाँ रखी, वो बैद की चम्मच भी है, चूर्ण भी है। मैंने ना पार छोटे छोटे डिब्बिया मंगाई है, मैं उनमें रखा करूंगी ये सारी चीजें ना। पर ये भी इतना ही जोर से बात कर रहा, उठे यहाँ से, हो जा पर जैसे। ये पानी है, मैं यहाँ पे चूर्ण खा रही थी अभी, और वो मैंने दलिया खाया था, और ठंडी ठंडी हवा चली। बता अभी तो ना अखरोट भी लग गया है, ये देखो। तो ये देखो, ये देखो अखरोट ना लग चुके, और यहाँ पे बड़ी हवा लग रही है। कल भी ऐसा लगा कि बारिश हो जाएगी ठीक ठाक, लेकिन बारिश नहीं हुई। क्या कितना? तो ये देखो यहाँ पे लोग ना सभी अपने अपने काउशेड का काम कर रहे हैं, वो मैं आपको पार दीदी दिखाती हुई है कि ये देखो यहाँ पे। और फिर ना ये लोग सभी जाएंगे ऊपर, है तो वो हमारे गाँव के, पर वो रहते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर जैसे रहते हैं मतलब। तो सभी जा रहे हैं, मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं भी जाऊँ, पर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा मैं जा भी सकती हूँ, मेरा पता नहीं अभी कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। ए उठा बेटा यहाँ से, वीडियो मैंने यहाँ पे लगा रखी। और ये कुर्ता मैं घर में पहन लूंगी, वैसे घर पहनने का ये है नहीं, पर इतने मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े हैं, मैं कहाँ डालूंगी इतने सारे कपड़े, है ना। तो घर में भी अच्छे अच्छे जो मैं घर में पहनती हूँ ना, वो थोड़े से बहुत सुंदर है। मेरा क्या मन होता है ना, मेरा नहीं होता मन घर में कि मैं कोई कपड़े पहनूँ, नए नए कपड़े घर में नहीं पहन सकती। अच्छा जो मेरे सूट है सिले हुए ना, वो फिर कोई टाइट हैं थोड़े से, कोई कैसे हैं, तो उनको मेरा वैसे ही मन नहीं करता कि मैं उनको घर में पहनूँ। तो चलो देखते हैं। अच्छा मैंने ना और भी मंगवाया था मीशो से कुछ, जो मैंने आपको नहीं दिखाया है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ बैठ के। काफ़ी सारे लोगों को ना हेल्प मिल जाती है कि हाँ, एक आइडिया आ जाता है कि हाँ यार हमारे को भी ये चीज़ मिल सकती है ना। तो रुको, फ़ोन ना मैं ट्राईपॉड के ऊपर लगा लेती हूँ। ये देखो इस तरह से, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने और क्या मंगवाया है। तो ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया ही नहीं था, मेरे पास ना साड़ियाँ हैं जो कि मेरे को कविता दीदी ने भेजी हैं। तो उनका क्या बोलते वो है ना, एक के साथ के लिए मैंने ब्लाउज ना ऐसे ही मंगवा लिया, क्योंकि बहुत महंगी सिलाई है ब्लाउज सिलवाने की ना, तो ये यहाँ पे मेरे को सस्ता पड़ गया। और सबसे बड़ी बात ना, मैं आपको इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, डबल में, ये देखो डबल कपड़ा लगा है इसके साथ, अंदर भी ये लाइनिंग जैसी, और ये गोल्डन में है। गोल्डन का क्या फ़ायदा रहता है कि मेरे पास ना रेड साड़ी है, उसके साथ भी ब्लाउज नहीं है। एक मैंने ऐसे मंगवाया था, वो स्टिच वाला मतलब वो खींच जाता था रबड़ जैसा। तो ये देखो इतने प्यारे इसकी कढ़ाई है ना, ये देखो। तो ये है, और ये इसके आगे का किनारा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखो। देखो कोई ऊपर से देख रहा था ना तो मैं चुप हो गई थी। ये इसके आगे का किनारा है, ये देखो। जो साड़ियाँ पहनते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल। मैंने तो ऐसा, तो अभी ना मैं अपने ब्लॉग के लिए फिर से रेडी होने लगी हूँ धीरे धीरे। और नहीं बोला जाता है, जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो नहीं बोला जाता, सच्ची बोल रही हूँ। ये है दुपट्टा, एक मैंने ना बिना मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिना सिला हुआ सूट जो है वो किया हुआ है, मंगवाया है। तो ये उसका दुपट्टा रहा, बहुत ही अच्छा मिल जाता है आपको वहाँ पे। ये सूट ऐसे ही मंगवा लिया, मेरे को पसंद आ गया ना वहाँ पे, फिर मैंने सोचा कि चलो मंगवा के देखती हूँ कि अच्छा लगेगा वैसा ही है जैसे ये बताते हैं कि और जैसा है। ये देखो ये इसका दुपट्टा, इसी तरह से ये आएगा दुपट्टा, दुपट्टा बहुत प्यारा है, ठीक है। और
तो ऐसे ही रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे का वीडियो। और ये इसका कुर्ता है, ये नेवी ब्लू में है कुर्ता, इसका बहुत बढ़िया कुर्ता है, सिल्क जैसी है, ये जाम कॉटन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, है कुछ, पर बहुत सुंदर है। ठीक है, इसमें ये बीच में पीले पीले जैसे छोटे छोटे डॉट्स है, ये सिला हुआ नहीं है, अगर मन किया मेरा तो मैं सिला लूँगी, वैसे मेरे पास बहुत सारे सूट हैं। ठीक है, और ये इसकी सलवार है, अच्छी में है, जैसे हम यहाँ पे खरीदते हैं ना, आइडिया हो जाता है कि ऑनलाइन मंगवाने से क्या मिलता है या फिर घर में क्या मिलता है, तो बहुत काफ़ी अच्छे मिल गए हैं हमारे को। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा सूट है, ये देखो, तो ये इसका कुर्ता है। और भाई मन तो मेरा कर रहा है कि मैं सिला लूँ, है ना, ये देखो बहुत सुंदर लगेगा। ये मेरा ना मतलब फेवरेट कलर हुआ करता था कभी, नीला ही है ना ये, तो ये तो थोड़ा सा डार्क में आ गया, नीला, हल्का नीला, जैसे भी नीले होते थे तो इस तरह के, है ना, कैसा लगा बताना जरूर। दुपट्टा बहुत सुंदर है, तो चलो अभी चलते हैं अपने, जाऊंगी मैं पार्क औषध में, आज यहाँ पहनने के पापा भी नहीं है, वो गए आज ऊपर काम को, गाँव में निभानी पड़ती है ये परंपराएं। अगर सब्जियाँ कोई लेके आया रात को दिखा दूंगी, मैं गई तो भी बता दूंगी, वैसे मेरा मन नहीं है जाने का, मैं डरती हूँ, मैं बीमार नहीं होना चाहती। ठीक है, तो चलो ये हो गया, ये चीज़ें रह गई थी। आप लोग ना वहाँ मीशो पे जाके ना, अभी देखो कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए, आप काफ़ी लोग बोलते हैं ना हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हम कैसे, तो बस मीशो ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे, कलर हर चीज़, और जैसा आप मंगवाओगे ना वैसा ही कलर मिलेगा, ये भी चीज़ है, ऐसा ही दिखा था मेरे को वहाँ पे भी, रेट वहाँ पे होते हैं, साइज वहाँ पे होता है, सब कुछ होता है वहाँ पे, तो आप बस क्लिक ही करते रहना है। और कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकते हैं, या फिर कैश ऑन वहाँ पे क्या होते हैं, अपने खाते से भी कटवा सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं चल पड़ी हूँ अपने ग्वाइनी को, और बाल्टी रही मेरी, आज मेरा ना वो थैलू नहीं मिला जो थैलू था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बीमार होने के बाद ना, जे मतलब मैं सोच लो आपकी एक हफ्ता पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में रही, इवन एक दिन पहले मेरे को इतना हो गया था कि मैं ये अपना हाथ ऐसे नहीं उठा पाती थी, अब मेरे ना बात करने की उसमें चेंज आ गया, मेरे को खुद लगता है कि मैं जैसे धीरे बोल रही हूँ या रुक के बोल रही हूँ, होता है ना ऐसा। लेकिन आप बहुत मिस कर रहे थे ये वाले ब्लॉग, हंसते मुस्कुराते, तो चलो अब बैक कैमरे से दिखाती हूँ सूट। देखो, कल इतनी ज़्यादा बारिश आई ना, हमने सोचा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, तो चलो कोई बात नहीं। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। और पता है अभी मैं ना, मेरे कपड़े इतने सारे पड़े हैं धोने को, एक दिन हनी ने धो दिए थे, और उनको फिर से बोलूँ मैं बिल्कुल नहीं ठंडे पानी से छूने वाली, अब मैं बहुत डरती हूँ, मैंने देख लिया मेरे को नहीं बचता कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी, जय माता दी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब यहाँ थे नए घर के पास, और आज बनिया देवी में है जगराता, ये सूट सच्ची में बहुत सुंदर है, और कॉटन का भी है। और एक मिनट, मैं ना यहाँ पे बैग उठा रही हूँ अपना, ये देखो कश्मीरी कढ़ाई है इसमें, मैं खुला खुला सिलाया मैंने अपनी मर्जी, चलो बेटा चलो, ये चकने जैसे आओगे थी ना, ये चक देने। हाँ जी, राम राम, जय माता दी, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो सुबह सुबह का टाइम है, और कल हम गए थे पार्टी में, वहाँ से आके ना थकान हो गई, किया कुछ नहीं वहाँ पे ऐसा ज़्यादा कि नाचे गाए, थोड़ी थोड़ी देर ही हमने खाया भी नहीं, मैंने पूरियाँ भी नहीं खाई, बहुत अच्छा खाना बना था, पर बस थकान हो जाती है बॉडी, पता नहीं क्यों मेरे शरीर को बहुत जल्दी थकान हो जाती है। अभी पार से आई थी, ग्वाइनी से आई थी, तो यहाँ बैठी थी, चिमे आई आ गई थी मेरे को, तो यहाँ बैठ मतलब आंखों में सोजिश आ जाती है एकदम से ना, कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, पर फिर भी हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर नाची भी थी थोड़ी सी, गर्दन में मतलब जो है वो आ गई है,
घर में रहती हूँ तो मतलब ठीक ऐसे चेतन रहती हूँ, इधर उधर चले जाती हूँ तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा कैसे होगा कि अभी से जाना छोड़ दूँ? मेरे को तो बहुत शौक है घूमने का, अभी तो जाएंगे। ट्रैवलिंग में बहुत समस्या आती है, तो अभी सब लोग सो रहे हैं घर के, अभी सुबह का टाइम है, 7 बजे मैं आ गई पार से। पार से आके मैंने अभी चाय वगैरह कुछ नहीं पी, यहाँ पे बैठी हूँ। मतलब एक यहाँ पे बैठ के ना मेरे को बड़ा रिलैक्स होता है सच्ची में। मैं आपको पहाड़ियाँ दिखा, सुबह का जो नज़ारा होता है ना बहुत ही खूबसूरत सा होता है, बहुत ही प्यारा सा होता है। ये देखो, तो आज क्या बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ। एक तो सब्जी की इतनी समस्या है ना, हर रोज किया कुछ भी समझ नहीं आता। दाल बना देती हूँ, दाल चावल। हाँ आज दाल चावल बना देते हैं। और उधर देखो, जो जो भी गया था मेरे साथ अभी खेल रहा है। और ये देखो हमारा गांव में शांत वातावरण, थोड़े से लोग हैं, ज्यादा लोग शिमला में रहते हैं, कुछ लोग घर में रहते हैं। तो जो आजा आजा मेरे बच्चू, ये देखो आ गया, आजा मेरे शेर, आजा आजा जो इधर आ, जो 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 लो लो मेरा बच्चू, लो यहाँ जा, यहाँ यहाँ बैठ जा, बैठ जा इधर, मम्मा भी इधर बैठी, बैठ जा जो जो मर्जी का है। ऐसे चलता है जैसे वो शेर नहीं चलते वैसे चलता है। नीरज जी ने उसको गुड्डू दिया था ना, उसके साथ खेल रहा है, देखो उसके साथ खेलता है। दीदी ने इसको शैम्पू भी दिया था, नीरजा दीदी ने इसको शैम्पू भी दिया था, वो गुड्डू भी दिया था, और बिस्किट दिए थे, बहुत सारा खाना दिया था इसका, पाउडर भी दिया है ताकि इसको वो चिचड़ वगैरह ना पड़े उसके लिए। अच्छा आज हमारे गांव में ना समदा है, समदा मतलब जो लकड़ियां फाड़ते हैं शादियों के लिए ना, वो है आज। क्योंकि अगले महीने हमारे गाँव में शादी है, 2 तारीख को हमारे गाँव में मिल रहे हैं भाई, मज़े मज़े, बहुत कुछ आ रहा है हमारे गाँव में ना। बड़े दिनों बाद यहाँ पे कुछ हो रहा है और एक अलग सी खुशी होती है सच्ची में। पता है आके ना मैं बिल्कुल ये पड़ जाती हूँ कि कैसे क्या करना, शरीर टूट जाता है पर फिर भी मजा आता है। अपने गांव के जो प्रोग्राम होते हैं, जो गांव के फंक्शन होते हैं ना, फिर भी उनमें बहुत मजा आता है। चलो अभी मैं बना लेती हूँ चाय। जो जो मैंने नहीं दौड़ना तेरे पीछे, ऐसे पकड़ता है मुंह में गुड्डू ना, फिर ये सोचता है कि मेरे पीछे दौड़ेंगे कोई भी, देखो तू क्या कर। जो जो मम्मा, बड़ा प्यारा बच्चू है सच्ची में, बहुत प्यारा है। तो इसका वो छूट गया, चलो चलते हैं अभी। यहाँ पे लेटा हुआ ये देखो, अब लोग जो 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 खा लो गुड्डू अपना। इसको ना पता है ये घास को जाता है ना जब, तो इसको ना वो चिड़न जैसे वो घास से पड़ते हैं वो। मेरा बच्चा छोड़ है जो जो हेलो कुल्लू कुल्लू, मम्मू मम्मू हेलो कुल्लू, मम्मू हेलो कुल्लू कुल्लू। देखो टांग कहाँ पर रखी हुई, देखो टांगे कहाँ रखी। मेरे ऊपर रखी हुई टांगे, मेरा बच्चा। इसको मैं देखते, अब सो गया। देखो मैंने इसको ना थोड़ा सा प्यार से ये किया ऐसे ऐसे, और फिर आंखें बंद कर देता है, सो जाता है। वो इतनी लंबी सांस भरता है मेरा बच्चू, मेरे बच्चू इतनी लंबी सांस भरता है जो जो ला। सो गया जी, अब जो जो हमारा सो चुका है, बाय जो जो, बाय जो जो। खारिश लगी, खारिश लगी बच्चू, देखो कैसे सोता। इतना इतना गंदा है ना, तेरे को चंडे मारूंगी, चंडे।